आपका स्वागत है। मैं वर्षा सिंह ले चलती हूँ आपको सीधे मुख्य समाचारों की ओर। आज के मुख्य समाचार, थानेदार राव को लोगों ने दी श्रद्धांजलि, युवा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन, बाइक को पीछे से मारी टक्कर सवार घायल, परिषद द्वारा विद्यार्थियों को किए स्वेटर पेंट, श्री राम कथा का शोभा यात्रा के साथ हुआ समापन, सर्व धर्म के सहयोग से 111 यूनिट रक्तदान हुआ, नागरिकता बिल के समर्थन में रैली का आयोजन। अब समाचार विस्तार से। थानेदार राव को लोगों ने दी श्रद्धांजलि। भारतीय जवान की रिपोर्ट के अनुसार कैलाश नगर शिवगंज पहुंचकर हजारों गणमान्य नागरिकों ने स्वर्गीय थानेदार राव आसू सिंह को मौन प्रकट कर श्रद्धांजलि दी। श्रद्धांजलि सभा व गंगा प्रसादी में राजस्थान व गुजरात के हजारों लोगों, शासनिक राव, समाज, गणमान्य नागरिकों, रिश्तेदारों ने पहुंचकर शोक प्रकट किया। राव की मृत्यु के 5 दिन बाद उनकी पदोन्नति CI पर हुई। राव की सिरोही, जालोर, पाली, जोधपुर में सेवाएं सराहनीय थी। युवा खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। जितेंद्र सिंह जोधा की जानकारी के अनुसार युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के अधीनस्थ नेहरू युवा केंद्र सिरोही के द्वारा आमथला व कीवरली के संयोग से राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेल मैदान कीवरली में 2 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया, जिसमें कार्यक्रम के मुख्य अतिथि केसर सिंह देवड़ा उप सरपंच कीवरली व कार्यक्रम की अध्यक्षता सर्वोदय स्कूल कीवरली के प्रधान अध्यापक भवानी शंकर राजपुरोहित ने की, तथा कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के नाते भाजपा OBC मोर्चा के कीर्ति प्रजापत व निरंजन पुरोहित मौजूद रहे। उक्त कीवरली गांव में आयोजित 2 दिवसीय खंड स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में 2 दिन के दौरान कबड्डी, फुटबॉल, खो खो, दौड़ व वॉलीबॉल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जा रहा है। बाइक को पीछे से मारी टक्कर, सवार घायल। माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार सरूपगंज थाने क्षेत्र के निकट देर शाम कोदरला फोर लेन हाईवे पर एक अल्टो कार ने बाइक को पीछे से टक्कर मारी, जिसमें बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल मेघा राम पुत्र सुरता राम निवासी रामपुरा बना घटना स्थल से फोर लाइन हाईवे से गुजरते वक्त पिंडवाड़ा आबू विधायक समाराम गरासिया ने घायल को निजी वाहन से स्वरूपगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचाया, जहां स्वरूपगंज अस्पताल के डॉक्टर रामलाल ने गंभीर रूप से घायल का उपचार किया। उपचार के बाद घायल को अबुरोड ट्रोमा सेंटर रेफर किया गया। साथ ही विधायक गरासिया ने स्वरूपगंज पुलिस थाने में दुर्घटना की सूचना दी। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, वक्त एक छोटे से ब्रेक का। नाकोड़ा टाइल्स, टाइल्स की सैकड़ों वैरायटी, फर्श, किचन और एलिवेशन की शानदार डिजाइनों के साथ संपूर्ण सैनिटरी किफायती भाव में मिलने का एकमात्र स्थान नाकोड़ा टाइल्स, नारायण पथ, मानपुरा कॉलोनी, जालोर। भारतीय जवान की रिपोर्ट के अनुसार भारत विकास परिषद शाखा पिंडवाड़ा की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय मालप में कक्षा 1 से 5 तक के 212 विद्यार्थियों को गर्म स्वेटर व बिस्कुट पैकेट वितरित किए गए। परिषद के सेवा प्रकल्प प्रभारी गोविंद सिंह चौधरी ने बताया कि भारत विकास परिषद के सेवा प्रकल्प के अंतर्गत परिषद की महिला सदस्यों द्वारा स्वयं के हाथों से विद्यार्थियों को स्वेटर पहनाए गए। इस अवसर पर शाला के प्रधान अध्यापक ईश्वरलाल पुरोहित द्वारा परिषद सदस्यों का आभार प्रकट किया गया। इसके पश्चात परिषद के सदस्यों द्वारा मालप स्थित एकलव्य विद्यालय में 65 बच्चों को ज्योमेट्रिक किट व बिस्कुट वितरित किए गए। इस अवसर पर परिषद के धर्मेंद्र खंडेलवाल, अतुल कुमार गोखे, महेंद्र गुप्ता, भगवत सिंह परिहार,
सहित समस्त शिक्षक व ग्रामीण उपस्थित थे। श्री राम कथा का शोभा यात्रा के साथ हुआ समापन। माधुराम प्रजापति की रिपोर्ट के अनुसार सरूगंज में गायत्री मंदिर परिसर में चल रही श्री राम कथा का भगवान श्री राम के राज्य अभिषेक के पश्चात कथा का भव्य समापन हुआ। सप्तम दिवस की श्री राम कथा में प्रेम मूर्ति पवन कृष्ण महाराज ने अरण्य कांड से लेकर उत्तर कांड तक का बहुत ही सुंदर वाचन किया। भगवान श्री रामचंद्र ने वनवास में संतों के द्वार द्वार जा करके उनके संकटों का निवारण किया। इस अवसर पर आगामी वर्ष के लिए महाराज ने 11 निर्धन कन्याओं का निःशुल्क विवाह कराने का संकल्प उठाया। सर्व धर्म के सहयोग से 111 यूनिट रक्तदान हुआ। लैक्यावर की रिपोर्ट के अनुसार मुस्लिम वक्फ कमेटी के तत्वावधान में अबरोड सर्व धर्म व सभी स्वयं सेवी संगठनों के सहयोग के इस्लामिया स्कूल में विशाल स्वैच्छिक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में सभी के सहयोग से 111 लोगों ने अपना रक्तदान किया, जिसमें 8 महिलाओं व 3 जोड़ों ने भी अपना रक्तदान किया। मुस्लिम वक्फ कमेटी के तत्वावधान में आयोजित सर्व धर्म रक्तदान शिविर का शुभारंभ सवेरे 9 बजे किया गया। शिविर के प्रारंभ होते ही सभी समाजों व स्वयं सेवी संस्थाओं द्वारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हुए रक्तदाताओं को प्रेरित करते हुए रक्तदान करवाया। शिविर में खासकर अग्रवाल महिला मंडल पूर्व अध्यक्ष शोभा गर्ग, पूर्व उपाध्यक्ष राधा सिंगल, आर्ट ऑफ लिविंग की अध्यक्षा संगीता अग्रवाल, मुस्लिम महिलाओं ने भी सभी रक्तदाताओं को रक्तदान के लिए जागरूक करने का कार्य किया। नागरिकता बिल के समर्थन में रैली का आयोजन। भारतीय चौहान की रिपोर्ट के अनुसार 23 दिसंबर को नागरिकता संशोधन अधिनियम के पक्ष में शांतिपूर्ण प्रदर्शन और राष्ट्रपति व केंद्र सरकार द्वारा पास किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम NRC और CAA के पक्ष में ज्ञापन देने के लिए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और समस्त हिंदू राष्ट्रीय संगठनों व तत्वावधान में कार्यकर्ताओं से कार्यक्रम को सफल बनाने की अपील की। यह जानकारी जितेंद्र राज पुरोहित भाजपा जिला संयोजक IT विभाग ने दी। और अंत में मौसम विज्ञान की जानकारी के अनुसार आज सिरोही शहर का अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस एवं न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जन समय की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय भारत, जय सिरोही।